हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सीजन में विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सफर खत्म हो चुका है और आरसीबी की टीम एक बार फिर आईपीएल का खिताब पाने से चूक गई। आरसीबी को आईपीएल के 14वें सीजन के एलिमिनेटर मुकाबले में केकेआर से हार का सामना करना पड़ा था। आरसीबी की हार के बाद देखे क्रिकेट फैंस ने टीम के साथ साथ खिलाड़ियों को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। फैंस ने ग्लेन मैक्सवेल और डैन क्रिस्टन को सबसे ज्यादा अपने निशाने पर लिया है, क्योंकि मैच में ग्लेन मैक्सवेल और डैन क्रिस्टन पूरी तरह फ्लॉप रहे। फैंस ने सोशल मीडिया पर इन खिलाड़ियों को गालियां भी दी और फैंस का खिलाड़ियों के प्रति ऐसा व्यवहार बर्दाश्त के वाकई में काबिल नहीं है, क्योंकि तो इन दोनों विदेशी खिलाड़ियों के सपोर्ट में अब उनके साथी खिलाड़ियों के साथ साथ केकेआर टीम भी उतर आई है। जी हाँ, कोलकाता टीम मैनेजमेंट ने पूर्व कप्तान दिनेश कार्तिक का एक वीडियो शेयर किया है और इन्होंने सोशल मीडिया पर बुरा बर्ताव करने वालों का बहिष्कार और उनके खिलाफ एकजुट होने की बात कही है। कोलकाता फ्रेंचाइजी ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है, नफरत फैलाने वालों को ना कह देना चाहिए। हमेशा क्रिकेटर्स को सोशल मीडिया पर दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर इनके खिलाफ खड़े हों और कड़ा रुख अपनाएं। हार और जीत तो खेल का एक हिस्सा है। हम आरसीबी, डैन क्रिस्टन और ग्लेन मैक्सवेल के साथ खड़े हैं। तो वही वीडियो में दिनेश कार्तिक ने यह भी कहा, हमें सोशल मीडिया को ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है जहां दयालुता और उदारता हो। यहां लोग शब्दों, वीडियो, मीम्स या किसी भी माध्यम से जो कुछ भी कहते हैं, असल में उसकी गंभीरता को समझते ही नहीं है। उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि जिसके बारे में वो कह रहे हैं, वो जब इसे देखेंगे या पढ़ेंगे तो उस पर क्या गुजरेगी। तो आपको बता दें कि कोलकाता को भी एक समय पर फैंस के बुरे बर्ताव को झेलना पड़ा था। दरअसल आईपीएल साल 2021 का पहला फेज जब भारत में खेला जा रहा था, तब वरुण चक्रवर्ती समेत कुछ खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव वो हो गए थे और जिसके बाद आईपीएल को स्थगित कर दिया गया था और क्रिकेट फैंस ने इसका जिम्मेदार कोलकाता को ही मान लिया था और टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी बुरा बर्ताव किया था। तो कुछ लोगों ने तो वरुण के मर जाने की बात तक भी कह दी थी, उन्हें अपशब्द कहे थे।